गैस एनर्जी इसमें प्रोजन है, तो उसको एक तो हो गया एनडीपीएस, दूसरा फिर फिट एनडीपीएस है जो मतलब बनाया गया, मतलब ये खर्च को कंट्रोल करने के लिए चाहिए बार बार। बेसिकली आज जो ये हमने प्रोग्राम करवाया है डिग्री कॉलेज हंदवाड़ा और वाईडीएनआरसी श्रीनगर के साथ मिलके, एक तो इसमें हमने जो ड्रग्स है उसके जो भी नुकसान है उसके लिए अवेयरनेस फैलाने की बात की है, और दूसरा डॉक्टर साहब की टीम भी आई है श्रीनगर से जिन्होंने लोगों को पर्सनली काउंसिल भी किया है, उनके चेकअप भी किए हुए हैं और दवाइयाँ भी रिकमेंड की हैं। तो इस प्रोग्राम का हमारा मकसद ये है कि लोगों को यह मैसेज जाए कि यह जो ड्रग्स है, चाहे वो सिंथेटिक ड्रग्स हो या गांजा हो या चरस हो या जो भी चीज़ें हैं, या से जो दूसरी ड्रग्स होती है जैसे ट्रामाडोल वगैरह हो गए जिनके अब्यूज़ कर रहे हैं या जिनका एडिक्शन हो गया, उससे उनको क्या नुकसान है, खुद को क्या नुकसान है, सोसाइटी को क्या नुकसान है, वो उन्हें पता चले, और दूसरा इससे बचा कैसे जाए, और जो लोग इस नशे की लत में पड़ गए हैं जो इसके शिकार हैं उनके इलाज के लिए भी हम क्या मदद कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ डॉक्टर साहब की टीम आई थी, उनको देखा उन्होंने और उनको जो मुकम्मल दवाइयाँ वगैरह हैं वो उनको उन्होंने रिकमेंड किया और मुकम्मल इलाज के लिए भी रिकमेंड किया। बेसिकली डी एडिक्शन सेंटर की अगर बात करते हैं तो बारामूला में एक छोटा सा डी एडिक्शन सेंटर है जो कि काम कर रहा है। हाँ, बेशक इसमें कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि टाइम के हिसाब से अगर हम देखें तो एडिक्शन बढ़ गया है। आज से 10 साल पहले जो एडिक्शन था और आज जो एडिक्शन है उसमें कई गुना का फ़र्क आ गया है। उसको देखते हुए हमें कुपवाड़ा में या हंदवाड़ा में एक डी एडिक्शन सेंटर की ज़रूरत है जहाँ पे फुल फ्लेजर टीम हो और एडमिशन की व्यवस्था हो, रहने की व्यवस्था हो, जिससे हमारे जो यूथ है वो इसकी तरफ कम से कम जाए। सर, आने वाले वक्त में और ऐसे प्रोग्राम आप करेंगे ड्रग्स के रिगार्डिंग? बिल्कुल, ड्रग्स के रिगार्डिंग हम आगे भी ऐसा प्रोग्राम करते रहेंगे, और डॉक्टर साहब के साथ एक छोटी सी प्लान भी डिस्कस हुआ है कि हम इसे और भी रेगुलर बनाएंगे, जैसे मंथली फॉलोअप का प्रोग्राम बनाएंगे, जिनको भी इस दवाइयाँ रिकमेंड होंगी उनका एक तरीके से कार्ड बनेगा बजाय अपना, उनका प्रॉपर फॉलोअप होगा कि उन्होंने कौन सी दवाई कब क्या ली है, और उनके पेरेंट्स को भी बुला के उसमें काउंसलिंग कराएगी क्योंकि इसमें सबसे बड़ा रोल उन्हीं का है। हम यहाँ से अगर डॉक्टर साहब यहाँ से किसी को दवाई रिकमेंड करते हैं, इलाज रिकमेंड करते हैं, उसको फॉलो करने का काम उस इंसान का है और उसके घर वालों का है और दोस्तों का है। पेरेंट्स के लिए बस मैं यही कहूँगा कि पहली बात तो ये कि आपके बच्चे हैं तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, और दूसरी चीज़ ये है कि भाई आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट भी यही है, बुढ़ापे का सहारा भी यही है, तो सबसे ज़्यादा ध्यान आप इन पर दीजिए। आप अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, वो उस पर नज़र रखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा उस पर शक करिए, लेकिन बिल्कुल उसकी हर बात को मानना भी सही नहीं है। वो पैसे कहाँ पे खर्च कर रहा है, किसके साथ घूम रहा है, कहाँ जा रहा है, मोबाइल फ़ोन पे क्या देख रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, तो अपने बच्चे को आप टाइम दीजिए। जब भी आप घर पर आते हैं तो बच्चों से बात करिए, उनके मसले सुनिए, क्या खेला, क्या कूदा, किसके साथ घूमा, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ना सिर्फ अपना बच्चा, बल्कि मैं कहता हूँ आपको जो पड़ोस का बच्चा है उस पर भी नज़र देनी चाहिए। ऐसा हो सकता है कि पड़ोस का बच्चा कोई गलत हरकत में फंसा हो और आप उसको नहीं टोके, लेकिन पीठ पीछे वो पड़ोस का बच्चा आपके बच्चे का भी दोस्त है तो वो भी गलत हरकत में फंसेगा। जब आग लगेगी तो आपके घर में भी आग फैलेगी। बिल्कुल हमारी नज़र उन लोगों पर है जो इसमें पेडलिंग में लगे हुए हैं और जो दूसरा ड्रग अब्यूज़ में भी लगे हुए हैं। इसकी तादाद को देना तो मेरे बस में इसलिए नहीं है क्योंकि मैं जो भी बोलूँगा ये तो हमारे अपने छोटे से सैम्पल साइज़ के बेसिस पर ही बोल पाऊँगा, कोई डिटेल सर्वे मैं इस तरीके से नहीं बोल सकता। हाँ, डिटेल सर्वे इसके पहले जम्मू कश्मीर का हुआ भी है जो कि कई सारी स्टडीज़ पब्लिश भी हुई हैं, 4 साल पहले भी हुई हैं, अभी रिसेंट में भी पब्लिश हुई हैं, तो वहाँ से हमें डेटा मिल जाएगा। लेकिन रही बात पेडलर्स की कि कहाँ से ट्रैफिकिंग होती, सबको पता है कहाँ से आता है, क्या उसका रूट है, उस पर हमारी पूरी नज़र है। और पीछे भी हमने इसमें बड़ी कार्रवाई की है, इस साल हमें इसमें काफ़ी अच्छी सफलता भी मिली है। अभी तक के 2 महीने के अंदर हमने कुछ 2.5 से 2.5 किलो हीरोइन पकड़ ली है, 4-5 किलो चरस वगैरह भी पकड़ लिया है, 6,000 से ज़्यादा बैन टैबलेट्स पकड़ लिए हुए हैं। तो इस तरीके से हमारा काम चलता रहेगा और हमें उम्मीद है कि आगे और भी बड़ी हम कामयाबी इसमें हासिल करेंगे और बड़े बड़े पेडलर्स को इसमें गिरफ्त में अपने ले आएंगे।